गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता साहनी बीएससी पार्ट 3 के थर्ड पेपर में इकोनॉमिक जूलॉजी के अंतर्गत हम कई प्रकार के कल्चर या संवर्धन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉन कल्चर के बारे में। प्रॉन कल्चर या जिसे प्रॉन को झींगा भी कहते हैं, तो इस प्रॉन का या झींगा का जब संवर्धन किया जाता है आर्थिक महत्व के हिसाब से, यानी जब इकोनॉमिकली इससे फ़ायदा लेने के लिए जब इसे कल्चर किया जाता है, पाला जाता है, तो वो प्रॉन कल्चर या झींगा कल्चर कहलाता है। झींगा संवर्धन को या प्रॉन कल्चर को प्रॉन फिशरी भी कहते हैं। ये जो प्रॉन हैं वो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में ही मिलते हैं, यानी कुछ तो जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं वो फ्रेश वाटर प्रॉन होते हैं और जो समुद्र में पाए जाते हैं वो मरीन वाटर होते हैं। प्रॉन बहुत से भागों में मनुष्य द्वारा खाने के काम में लिया जाता है, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है, इसका महत्व है और इसको कई तरीके से अलग अलग रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रॉन को पीसेस के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है इसकी सब्जी बनाकर, कई जगह इसको पाउडर की फॉर्म में और कहीं कहीं अचार की फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है इसकी बहुत ज़्यादा होती है प्रॉन की, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है और इसके लिए इसका संवर्धन या कल्चर करना ज़रूरी हो जाता है ज़्यादा मात्रा में इसको प्राप्त करने के लिए। ये जो प्रॉन आपको पता है फाइलम आर्थ्रोपोडा का एनिमल है और जैसा भी मैंने बताया स्वच्छ जल और समुद्री जल दोनों में ये पाया जाता है। और किस तरह के वाटर में पाया जाता है या किस स्थान पर ये पाया जा रहा है, इस हिसाब से ये जो प्रॉन है जिसे हम फिशरी भी कह रहे हैं, अलग अलग तरह के हो सकता है। एक होता है फ्रेश वाटर फिशरी, तो इस तरह के प्रॉन जो हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर के जो भी सोर्सेस हैं जैसे रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई या पॉन्ड्स हो गए, यहाँ पर अगर प्रॉन होते हैं वहाँ से पकड़ा जाता है तो वो फ्रेश वाटर फिशरी कहलाती है। और यदि प्रॉन समुद्र में पाए जाते हैं तो समुद्री जल में है तो वो मरीन फिशरी कहलाती है। ज़्यादातर ये गर्म एरिया में होते हैं या ऐसे समुद्र जहाँ पर कि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है और समुद्र में 40 मीटर की गहराई तक इनका प्रेजेंट होते हैं ये, और वहाँ से इनको पकड़ा जा सकता है। तीसरी तरह के जो होते हैं वो होते हैं सलाइन वाटर में फिशरी जो होती है सलाइन वाटर में होती है, और ये मेनली मालाबार कोस्ट जो है जहाँ पर कि चिल्का लेक हो गई या ब्रह्मपुत्र और इनके जो एरिया आते हैं बेला संगम जहाँ पर है या केरल का जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पर जब ये सॉल्टी एरिया में होते हैं ऐसे सोर्स में होते हैं तो यहाँ से इनको कैच किया जाता है। और चौथी तरह के जो सोर्स है इसका फिशरी का या प्रॉन का वो है शैलो वाटर। तो शैलो वाटर जो होता है छिछला जल जो होता है ये जनरली मानसून के होता है कि जब मानसून आता है और बरसात होती है जब बहुत ज़्यादा जून से अगस्त तक, तो जो मालाबार कोस्ट है वहाँ पर उसका जो शैलो वाटर है छिछला जल है वहाँ पर जो है ये मछुआरे आसानी से इसको पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इसके सोर्स हैं जहाँ से कि इसको प्रॉन को पकड़ा जा सकता है कल्चर के लिए। अब हम बात करते हैं मेन स्पीशीज़ जो प्रॉन की पाई जाती हैं इंडिया में। तो कई तरह की स्पीशीज़ हैं प्रॉन की, अलग अलग वेराइटीज़ हैं, अलग अलग स्पीशीज़ हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ में पाई जाती हैं, अलग अलग सोर्सेज में होते हैं। और कल्चर के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम प्रॉन यूज़ करते हैं वो जनरली बड़े साइज़ के होते हैं और हेल्दी प्रॉन को उसको यूज़ किया जाता है जो कि इजीली मिल भी जाते हैं, इनका कल्चर भी आसानी से किया जा सकता है और जिस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है फूड के पर्पज़ से, तो अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मेन स्पीशीज़ जो इंडिया में पाई जाती हैं उनका कल्चर किया जाता है और यूज़ की जाती हैं उनमें है, एक तो है पेनियस इंडिकस और पेनियस मोनोडॉन
इसके अलावा मेटापेनियस एफिनिस, मेटापेनियस डेप्सोनी, पेलीमोन स्टाइलिफेरा, पेलीमोन फ्लूमिनिकोला और पेलीमोन मालकमसोनी। इसके अलावा कुछ और भी स्पीशीज़ हैं, ये मेन स्पीशीज़ मैंने आपको बताई हैं जो कि इंडिया में जिनका कल्चर किया जाता है या पाला इनको जाता है। अब इनका जब कल्चर किया जाता है या इनकी जो पाला जाता है या प्रॉन की जो फार्मिंग की जाती है, तो बेसिकली दो मेथड है फार्मिंग के प्रॉन के, एक तो है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है इंटेंसिव मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड है ये ओल्ड मेथड है, पुराना मेथड है या कंजर्वेटिव प्रोसेस है इसमें कहते हैं, जो कि इंडिया में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस में या इस मेथड में वो पॉन्ड्स जो कि एस्चुरीज के या जो ब्रैकिश वाटर होता है वो जो एरिया होता है उसके पास में जो पॉन्ड्स इकट्ठे होते हैं, ये पॉन्ड जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं मेन उससे, जब ज्वार आता है तो उससे, तो उस एरिया से जब एनवायरनमेंट सूटेबल होता है यानी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो इस एरिया से प्रॉन्स को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो जब टाइड आता है, ज्वार भाटा आता है, तो वो काफ़ी ऊंचा ऊंचा जाता है पॉन्ड का जो लेवल है उससे, और इस एरिया में फिर मैश लगा दिए जाते हैं या जाल लगा दिए जाते हैं। और जब पानी जब वापस उतरता है तो पानी तो वापस चला जाता है समुद्र में उस एरिया में, और जाल की वजह से ये जो प्रॉन हैं या इनके जो लावा हैं या प्रॉन हैं ये सब वहाँ पर रह जाते हैं, तो उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से ट्रैप्स लगा दिए जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। दूसरी तरह का जो मेथड है वो है इंटेंसिव मेथड। ये जो इंटेंसिव मेथड है ये मॉडर्न टेक्निक है, आधुनिक तकनीक है, जिसका कि दूसरी कंट्रीज़ में भी या डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी बहुत इसका यूज़ किया जाता है। और इस मेथड में जनरली एक तो पोस्ट लार्वल स्टेजेस जो हैं प्रॉन की वो यूज़ की जाती हैं, और ब्रीडिंग और स्पॉनिंग के लिए उनको इस एरिया में जगह पर, ऐसी जगह पर लाया जाता है जहाँ पर कि इनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, यानी उनको सारी वो ज़रूरत पूरी की जाती हैं उनकी और वहाँ पर इनका कल्चर किया जाता है। तो ये इंटेंसिव मेथड होता है। तो इस तरीके से ये दोनों मेथड यूज़ किए जाते हैं प्रॉन की फार्मिंग के लिए या प्रॉन के कल्चर के लिए। इसके कल्चर के लिए मेनली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आइटम्स ज़रूरी होते हैं, वो होते हैं क्योंकि प्रॉन को पहले पकड़ा जाता है, फिर ट्रांसफ़र किया जाता है, कल्चर किया जाता है, तो मेन आइटम्स जो चाहिए इसको लिए वो है बोट, गियर चाहिए होते हैं, नेट्स या जाल चाहिए होते हैं जो कि कॉटन या नायलॉन के कपड़े के जो बने हुए होते हैं नेट्स, और इसके अलावा ट्रैप्स चाहिए होते हैं उनको पकड़ने के लिए। तो दोनों ही तरह की प्रॉन का कल्चर किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, फ्रेश वाटर प्रॉन भी होते हैं और मरीन वाटर भी होते हैं, प्रॉन्स भी होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जो प्रॉन हैं। तो इसकी एक स्पीशीज़ है जो कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, ये है मैक्रोब्रिकियन रोसेनबर्ज। तो ये जो प्रॉन हैं इनको पकड़ने के लिए जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं या स्वच्छ जल के जो सोर्स हैं जहाँ पर कि सॉल्ट्स कम पाए जाते हैं वहाँ से इनको पकड़ा जाता है, और ऐसी रिवर्स या पॉन्ड से जब इन प्रॉन्स को पकड़ते हैं तो वहाँ से इनको एयरी बैग्स में, बड़े बड़े एयरी बैग्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। प्लास्टिक के बैग होते हैं बड़े बड़े जिसमें कि एयरी बैग्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, तो उन बैग से इनको लाकर जो स्पेशल एरियाज़ या स्पेसिफिक एरियाज़ या एक्वेरियम बनाए जाते हैं वहाँ पर रखा जाता है। तो मेल और फीमेल को वहाँ पर रख देते हैं और उसमें फिर ब्रीडिंग कराई जाती है, और ब्रीडिंग के बाद जब फीमेल अंडे देती है, एग्स देती है, तो उनका उपयोग फिर आगे किया जाता है। तो ये जो एग्स दिए जाते हैं उनको फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो फ्रेश वाटर है उसमें थोड़ा सा ये जो मरीन वाटर में मिला दिया जाता है, और जब ये जो अंडे जो हैं ऑरेंज कलर के हो जाते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है।
तो अब इन अंडों से जो लार्वा निकलते हैं उन लार्वास को फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सीमेंट के टैंक्स में। ये जो सीमेंट के टैंक्स बड़े बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक टैंक्स होते हैं, और यहाँ पर इस पर जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर और पीएच मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर यहाँ का 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा जाता है और पीएच जो है वो 7 और 8 के बीच में होता है। और इन टैंक्स को फिर थोड़ा सा शेड में रख दिया जाता है, कूल प्लेसेस पर रख देते हैं। साथ ही अच्छा भोजन दिया जाता है, ये लार्वा जो हैं इनको फीड प्रोवाइड किया जाता है, जिनमें कि उबले हुए एग्स भी दिए जाते हैं और फिश के एग्स का भी इसमें यूज़ किया जाता है। और उसके बाद इनमें 2 बार मोल्टिंग होती है और 2-3 दिन से लेकर मेटामॉर्फोसिस तक इनको इसी प्रकार अच्छे से फीड कराया जाता है। और उसके बाद इन्हें फिर फ्रेश वाटर के टैंक्स में रखा जाता है। और फ्रेश वाटर के टैंक्स में रखने का मतलब ये होता है कि वो एक्लिमेटाइज हो सकें, यानी क्योंकि ये फ्रेश वाटर के हैं तो उस वाटर में रखने से वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल ये हो जाते हैं। अच्छी ग्रोथ हो प्रॉन की, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है, अच्छा फीड दिया जाता है। और इसके साथ साथ ये जो होता है कैटल फीड भी इनको, सॉरी कैटल का जो होता है फीसिस या गोबर जो होता है उसके साथ इनको लाइम या चूना मिला के दिया जाता है। और हल्की हल्की करंट धीरे धीरे यहाँ पर मेंटेन की जाती है उस वाटर में। फूड के साथ साथ इनमें इंसेक्ट्स भी होते हैं या फिशेस जो होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या केंच भी हो गए। और इसी के साथ साथ राइस और पल्सेस का भी यूज़ किया जाता है। और 6 महीने के अंदर ही प्रॉन जो है वो अच्छे साइज़ के हो जाते हैं, करीब 20 सेंटीमीटर तक ये लंबे हो जाते हैं और वेट इनका जो है 100 ग्राम तक हो सकता है। तो इस तरीके से प्रॉन को कल्चर करके और अच्छी इससे फसल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरह का कल्चर जो होता है वो मरीन प्रॉन्स का होता है, मरीन प्रॉन्स जो कि समुद्र जल में पाए जाते हैं। तो समुद्र के जल में जो प्रॉन्स पाए जाते हैं उनको कल्चर करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मरीन प्रॉन का कल्चर करने के लिए जो मार्शी लैंड्स हैं, दलदल वाले जो जगह होती हैं या टाइडल लोकेशन में जो होते हैं वहाँ पर इनको किया जाता है। और जो कोस्टल एरियाज हैं उनके पास वाले जितने भी लोकेशंस होती हैं या जगह होती हैं वहाँ पे इनको नहीं रखा जाता। जहाँ पर इनका कल्चर हो रहा है वहाँ कल्चर जिस स्थान पर कर रहे हैं वहाँ की जो सॉयल है उसके पीएच का ध्यान रखना होता है, और ये पीएच जो है 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि इसमें थोड़ा सा जो क्ले होती है या जो चिकनी मिट्टी होती है वो अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्ले होती है या जो चिकनी मिट्टी होती है वो जो मरीन वाटर है उससे पोटेशियम और कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस तरीके से मिनरल्स जो हैं वो प्रोवाइड कराती है वो डेवलपिंग प्रॉन्स को। इसके अलावा प्रॉन्स की ऐसी स्पीशीज़ लेते हैं जिसका कि इजीली कल्चर कर सकें एग से उसके अडल्ट में बदलने तक। इसके अलावा जिन प्रॉन का कल्चर कर रहे हैं उसमें पानी का ध्यान रखना होता है, हमेशा एक वाटर कंटेंट जो है बना रहना चाहिए, सफिशिएंट मात्रा में वाटर उसमें होना चाहिए। और अगर वाटर की मात्रा कम होती है, वाटर कम लगता है, तो उसको फिर से समुद्र के जल से भर देना चाहिए। और जो समुद्र के जल में ऑक्सीजन होती है घुली हुई तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। फीड का ध्यान रखना होता है, भोजन अच्छे से उनको देना होता है, और किसी भी प्रकार की अशुद्धि या इम्प्योरिटी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से प्रॉन्स को कल्चर कर लिया जाता है ज़्यादा मात्रा में। कई बार ऐसा होता है कि जो पोस्ट लार्वल स्टेजेस होती हैं उनको ही डायरेक्ट पकड़ा जाता है या कैच किया जाता है नेट की सहायता से या जाल की सहायता से, और फिर उनको बड़े बड़े टैंक में डाल देते हैं और फिर इन टैंक्स में धीरे धीरे इनका संवर्धन होता है। और यहीं पर फिर उनको प्रॉपर फीड देकर
प्रॉपर कंडीशंस मेंटेन करके उनको डेवलप होने दिया जाता है, और जब वो अडल्ट प्रॉन हो जाते हैं तो उसके बाद उनको पकड़ा जाता है या उनकी हार्वेस्टिंग होती है, और उसके बाद उनको बाज़ार में ले जाया जाता है बेचने के लिए। तो इस तरीके से प्रॉन का या झींगा का कल्चर किया जाता है ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करने के लिए और उससे लाभ कमाने के लिए।